और इतिहास रच दिया। महिला हॉकी टीम ने जीत गई है। महिला हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया पर लगातार बढ़त बनाए हुए थी। महिला हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक के 11वें दिन यानी आज की तारीख 2 अगस्त और इस बीच एथलेटिक्स में भारत ने इतिहास रचा। आपको बता दें कि महिला हॉकी में भारत ने ये इतिहास रचा है। महिला हॉकी टीम शानदार प्रदर्शन। ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला चल रहा था, भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के बीच कड़ी टक्कर हो रही थी और इस बीच भारत ने मैच जीत लिया है। महिला हॉकी टीम ने ये मैच जीता है। क्वार्टर फाइनल मैच महिला हॉकी टीम ने ये मैच जीत लिया है। उससे पहले कल दो बड़ी और अच्छी खबरें आई थी, जब ब्रिटेन को हराकर पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी और पीवी सिंधु जिन्होंने ब्रॉन्ज पर कब्जा जमाया था लेकिन कहा कि अभी मेडल खत्म नहीं हुए, अभी और मेडल आएंगे। और इस बीच हम आपको बता दें कि ये टीम इंडिया और ये अच्छी जीत भारतीय महिला हॉकी की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया है। पहली बार ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में पहुंची है भारतीय महिला हॉकी टीम। लगातार 1-0 की बढ़त बनाए हुए थी। दबदबा महिला हॉकी खिलाड़ियों का ऑस्ट्रेलियाई टीम पर लगातार था। एक भी गोल नहीं कर पाई ऑस्ट्रेलिया की टीम। विक्रांत गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, लग रहा है कि अगस्त का महीना कल शुरू हुआ, पहली तारीख दो बड़ी जीत, एक तो मेडल आ गया और दूसरी भी इतिहास अपने आप में है, क्योंकि इतने सालों बाद जिस तरीके से पुरुष हॉकी टीम ने ब्रिटेन को हराया था और उसके बाद आज की ये जीत भी बहुत बड़ी मानी जा रही है। विक्रांत, बिल्कुल नजोत, क्योंकि दो दिन जैसे आपने कहा बैक टू बैक अगर भारत हॉकी सेमीफाइनल में आता है यानी कि मेडल कंटेंशन में आता है तो इसे बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। एक एक जनरेशन के लिए हॉकी का मतलब था ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक गेम्स का मतलब था हॉकी। ये इंडिविजुअल मेडल्स अब आना शुरू हुए और अगर हॉकी आपकी रिवाइव होती है इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। खास तौर से आज की जीत देखिए, किसी ने सोचा था कि 3-टाइम गोल्ड मेडलिस्ट ऑस्ट्रेलियन विमेन टीम को भारत की टीम हरा देगी? 1-0 की लीड मिलने के बाद उसे जिस तरह उन्होंने डिफेंड किया, आप पेनल्टी कॉर्नर्स की बात करें, डिफेंस की बात करें, किस तरह से आपने आगे और पीछे खेलना है, सुपर्ब जिसे कहते हैं। और अब वाकई में वो एक नारा था ना कि फिर से दिल दे दो हॉकी को, वो सच्चा होता जा रहा है। सही मायने में विक्रांत जिस तरीके से आप कह रहे हैं, और उम्मीदें विक्रांत अब बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। देखिए हॉकी से स्पेशली, और आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया कि हॉकी रिवाइव हो रही है और ये दिख रहा है, दिख भी रहा है और अब तो नतीजे का इंतजार होगा ना। देखिए नवजोत, होता क्या है, दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई। भारत की मेंस हॉकी टीम ने 1980 के बाद कोई मेडल नहीं जीता और 1980 में सिर्फ 6 टीमें थी और 6 हल्की टीमें थी, यानी कि 1972 आपकी लास्ट कामयाबी थी जहां हम सेमीफाइनल खेले थे। तो वहां पर मुझे लगता है कि बेल्जियम बड़ी टीम जहां पर आपका बड़ा मुकाबला होगा, लेकिन आपकी मेंस हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक मैच खराब खेला था, बाकी सारे उन्होंने शानदार खेले हैं। विमेंस हॉकी टीम अलग चली है, ये शुरू से हारते रहे और ये क्वालिफाई भी किए हैं जब बाकी टीमों के नतीजों पर डिपेंडेंट थे, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमेशा वो टीम खतरनाक होती है जो नीचे से ऊपर आती है, जो हारती फिर जीतना शुरू करती है। और आज जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, सामने जितनी टीमें हैं उनमें भी खलबली मची होगी, मेडल उम्मीद कर सकते हैं आप। अब एक आएगा, दो आएगा, पता नहीं, लेकिन हॉकी ने मुझे लगता है कि इस ओलंपिक गेम्स को हम सबके लिए रिवाइव कर, बिल्कुल एक शानदार प्रदर्शन महिला हॉकी टीम का भी और उधर कल पुरुष हॉकी टीम का भी। अब बड़ी बात, क्योंकि लगातार खुशखबरी आ रही हैं, आज नजर कमलप्रीत पर भी रहेगी क्योंकि वहां से भी उम्मीदें हैं, लेकिन इस बीच खास तौर पर विक्रांत अगर महिला हॉकी टीम की बात की जाए तो आज के इस प्रदर्शन को आप किस तरीके से देखते हैं? पूरी तरह से ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलियन टीम को मौके नहीं मिले गोल करने के, लेकिन इंडियन टीम पूरी तरह से हावी रही। आप पेनल्टी कॉर्नर्स उठाकर देखिए, जो आमतौर पर क्या होता है कि आप लीड ले ली आपने लेकिन आपको विश्वास नहीं होता, कहते हैं ना सेल्फ बिलीफ की कमी होती है कि अरे हम आगे हैं, अच्छा वो सामने वाली टीम जो है वापस आएगी। लेकिन आप देखिए उन्होंने लास्ट क्वार्टर जिस तरह से डिफेंड किया है, लास्ट देखते देखते 5 मिनट में कम से कम 3 पेनल्टी कॉर्नर्स हुए हैं और पेनल्टी कॉर्नर का नाम सुनकर आपके हाथ पैर में पसीना आ जाता है, आपको लगता है यार अब ये गोल हो गया तो ये कंसीड हो जाएगा। लेकिन इन्होंने जैसे आपने कहा सिर्फ डिफेंस किया, आप अपने गोलकीपर को देखिए ना, आपने पेनल्टी कॉर्नर्स बचाए हैं इतने सारे। जी विक्रांत, मैं रोक रही हूँ आपको क्योंकि राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं टोक्यो ओलंपिक से। राहुल, अच्छी खबर वहां से और हॉकी के मैदान से, और अच्छी खबर महिला हॉकी टीम की तरफ से।
बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो माहौल था अभी भी, क्योंकि मैं बिकॉज ब्रॉडकास्ट वायलेशन हो जाते हैं अदरवाइज, मैं आपको मेरे सामने ही हॉकी की पूरी टीम जो है विमेन्स टीम गुजर रही है, और पूरे जितने भी यहाँ पे आप मैं आप गाने बज रहे हैं हिंदुस्तानी इंडियन सॉन्ग बज रहे हैं, और जितने भी फॉरेन नेशनल्स हैं वो हर कोई ताली से उनका स्वागत कर रहा है, क्योंकि हर किसी को पता है कि भारतीय हॉकी टीम के लिए कितनी बड़ी बात है। देखिए, और जिस हिसाब से आज उन्होंने खेला है, शुरुआत कैसी हुई थी भारतीय टीम की, आप पहला मैच नेदरलैंड से हारे, उसके बाद अगला मैच आप जर्मनी से हारे, उसके बाद आप तीसरा मैच ग्रेट ब्रिटेन से हारे, उसके बाद आपने आयरलैंड को हराया, आप एक्सपेक्टेड था कि आप आज जीत ही जाएंगे, पर वो भी जीत जो है आपकी 1-0 से हुई, उसके बाद जो दूसरी आपकी जीत हुई वो साउथ अफ्रीका से, और वो जीत भी 4-3 से हुई, तो आपको लगा नहीं था कि ये टीम जो है इतने आगे तक बढ़ पाएगी, पर उसके बावजूद देखिए लोएस्ट रैंक थी टीम की अपने पूल में, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो हाईएस्ट रैंक टीम थी, और क्या किया आपने, एक हॉट फेवरेट ऑस्ट्रेलिया को इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया क्वार्टर फाइनल में, और ये जो उनकी जो खुशी है प्लेयर्स की, कैसे वो एक दूसरे के गले लिपट लिपट के उछल उछल के कोच वहां कूदते हैं स्टेडियम पिच पे आते हैं, और उछल उछल के सब उनको पता है कि उन्होंने क्या अचीव किया है। हॉकी के खेमे से जो खबर आई है पिछले 2 दिनों में, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बड़ी बात है। अरसा लग गया है ये दिन दोबारा देखने के लिए, और आज जब आई है टोक्यो ओलंपिक्स में, तो हल्के में अब इस टीम को कोई नहीं ले सकता है। दोनों टीमें आप देखिए ब्रॉन्ज मेडल, कुछ भी हो जाए यहाँ से ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए वो ब्रॉन्ज मेडल प्लेऑफ जरूर खेलेगी, और इस वक्त जो है प्लेयर्स सबसे बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे थोड़ी सी इजाजत चाहूंगा कि मैं भी अगर उनको ज्वाइन कर लूं, प्लेयर्स से थोड़ा बात करने की कोशिश कर लें कि उनका माहौल, उनके सेंटिमेंट्स, उनके इमोशंस थोड़ा सा पढ़ने की और कोशिश सबसे अहम सवाल तो जरूर बात कीजिएगा, क्योंकि राहुल देखिए बहुत अहम इसलिए है कि आप जब एक एक मैच हारते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन होता है, लेकिन यहाँ पर डबल कॉन्फिडेंस के साथ ये टीम उतरी, और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे विक्रांत के साथ भी, राहुल आप उनसे बात कीजिए, क्योंकि बात हम विक्रांत से भी कर रहे थे कि हॉकी पूरी तरह से रिवाइव हो रही है, और एक तरीके से ओलंपिक्स में ये नजर आ रहा है कल ब्रिटेन, क्योंकि दोनों बराबर की टीमें मानी जाती थी, कल जिस वक्त सुबह हम राहुल से बात कर रहे थे यही जिक्र हो रहा था, अगर विक्रांत मेरे साथ है तो विक्रांत यही बात हो रही थी कि दोनों टीमें बराबरी पर हैं, और दोनों टीमों का अगर प्रदर्शन देखें तो ठीक ठाक था, दोनों ही बराबर थी, इक्वल, और कांटे की टक्कर होनी थी, लेकिन कल भारतीय हॉकी टीम जिस तरीके से ब्रिटेन की टीम पर हावी रही, और उसके बाद अगर आज के मैच की भी बात करें, ऑस्ट्रेलिया इतनी बड़ी टीम और किस कॉन्फिडेंस के साथ हिंदुस्तान की महिला हॉकी टीम मैदान में उतरी, हावी नहीं होने दिया, उल्टा खुद उन पर हावी रही। जो अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं ना हॉकी में, वो उसका हुआ है भारत, भले वो मेंस हॉकी में बात करें या वेमेन हॉकी में बात करें, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से समहाउ भारत साइकोलॉजिकली डरता है, यही विक्रांत हम क्रिकेट में भी बात किया करते थे अगर आपको याद हो तो, लेकिन लेकिन क्रिकेट में हमने फिर भी उनको काफी हराया है और कई मरतबा हराया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने हॉकी में भारत को डोमिनेट किया है, यहाँ तक कि जब भारत अपनी हॉकी को रिवाइव करना चाहता था रिक चार्ल्सवर्थ को लेकर आया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ही लेजेंड थे, खैर वहां पर आप 7-1 से हारे थे, 7-1 से हारना बहुत बड़ी हार होती है, आप उसके बाद कई टीमें तो 2-2 साल खड़ी नहीं हो पाती, उसके बाद फिर 3 मैच लगातार जीत के आप नॉकआउट में आए, क्वार्टर फाइनल्स में आए, और क्वार्टर फाइनल में नवजोत अगर आप आमने सामने हैं, भले आप बराबर की टीम है, उस दिन माहौल डिफरेंट होता है, लीग मैच डिफरेंट है, आपका नॉकआउट मैच डिफरेंट है, इसीलिए आज जो विमेन्स ये मैच मुकाबला इन्होंने क्वार्टर फाइनल का जीता ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ये अलग चीज थी, अलग प्रेशर था, ऑस्ट्रेलिया तो आया था कि हम आएंगे और जीत कर चले जाएंगे, और किसी ने सोचा नहीं होगा ओलंपिक्स में कि ऑस्ट्रेलिया आज विमेन्स हॉकी में बाहर हो जाएगा, वो 3 बार मेडल जीते हैं और गोल्ड मेडल, और आपकी टीम पहली बार सेमीफाइनल खेली है खेलेगी, तो उस लिहाज से आप देखें, मुझे याद है जब ये ओलंपिक से पहले जब टीम ने जाना था, रानी रामपाल जो टीम की कप्तान है, मेरी उनसे बात हुआ करती थी, और उन्होंने बताया था, आपको याद होगा सारी टीम को कोविड हो गया था, ये लोग बैंगलोर में ट्रेनिंग कर रहे थे, ज्यादातर खिलाड़ियों को जो सेकेंड वेव आई थी कोविड हो गया था, आप अंदाजा लगाइए जब टीम को कोविड हुआ था अप्रैल मिड अप्रैल के करीब करीब जाकर, उसके बाद लड़कियां दोबारा से खड़ी हुई हैं, उनकी ट्रेनिंग शेड्यूल सारा खराब हो गया था, और फिर से आना ओलंपिक्स में वो विश्वास रखना, हालांकि लीग मैच बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे भारत के लिए, जैसे राहुल ने भी कहा शुरुआत अच्छी नहीं थी, एक स्टेज पे तो ये लग रहा था कि शायद क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगी, वो तो आखिरी मैच जैसे मैंने कहा नतीजा सामने वाली टीमों का ऐसा हुआ कि आप क्वालिफाई कर गए, लेकिन अब वो सब भूल जाइए, आज आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, कल आपने मेंस हॉकी में ब्रिटेन को हराया था, तो अब आगे का देखना है,
मुझे लगता है कि मेडल राउंड में आप पहुंच गए हैं, आपको मेडल एक या हो सकता है दोनों जरूर मिले। बिल्कुल विक्रांत, अब ऐसे में देखिए अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं, क्योंकि मेडल के लिए अब हमारी दोनों ही टीमें खेलेंगी। बेल्जियम से मुकाबला होगा पुरुष हॉकी टीम का, लेकिन महिला हॉकी टीम की आगे की चुनौतियां कितनी ज्यादा रहने वाली हैं? और ऐसे में जब आप ऑस्ट्रेलिया को हराकर आगे जाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। देखिए होता क्या है, इसे कहते हैं सोडा बॉटल इफेक्ट। मैं हमेशा, ये क्रिकेट हो या कोई भी खेल हो, सोडा बॉटल इफेक्ट क्या होता है, जब आप सोडा की बॉटल खोलते हैं तो फिज एकदम ऊपर आती है, उसके बाद बैठ जाती है। आज की जीत के बाद कोच का या मैनेजमेंट का या कप्तान का काम ये होता है कि लड़कियों को नीचे आराम से उतारना, उनको ये कहना कि एक मैच हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि आप बहक जाते हैं उस एक जीत में और उसके बाद फिर आप अगले मैच में अलग तरह से नहीं आते, तो अलग तरह से आपको आना है, आपको इस मैच को भुलाकर अगले मैच को खेलना है। सिमिलरली जैसे आप बेल्जियम के साथ मैच खेलेगी भारत की मेंस हॉकी टीम, वो अलग मैच होगा। एक एक कदम आप आगे जाएंगे वो कदम मुश्किल होता जाएगा, उतना प्रेशर आप पर होगा। लेकिन यहां से अब एक तो आपका खेल है, खेल तो आपने दिखाई दिया आज कि आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हरा सकते हैं, आप उनके इतने पेनल्टी कॉर्नर्स बचा सकते हैं, यानी कि तुक्का नहीं था एक गोल करना, गोल एक भी ना खाना ये बड़ी कामयाबी थी। तो जब आपका विश्वास अपने ऊपर हो जाता है, बस यहां से मैनेजमेंट कप्तान इनका काम ये होता है कि आपकी नर्व्स को सेटल डाउन करना, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है ना, 140 करोड़ की आबादी है, हम लोग दबाव डाल देते हैं टीम पर। अब इनको अपने आप को हटा कर रखना है सोशल मीडिया से, इनके ऊपर वो प्रेशर नहीं होना चाहिए। मुझे याद है 2003 वर्ल्ड कप फाइनल जब भारत की टीम क्रिकेट खेल रही थी, सौरव गांगुली की टीम वहां पर पहली बार 83 के बाद फाइनल में पहुंची, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने लास्ट 3 दिन प्रैक्टिस ही नहीं की, लेकिन भारत की टीम 6-6 घंटे प्रैक्टिस कर रही थी, यहां से विशेष जा रहे थे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बैट भेजा था साइन करके, वो इतना प्रेशर हो गया कि खिलाड़ी उसको हैंडल नहीं कर पाए। बिल्कुल, अब ये इनको प्रेशर को हैंडल करना है बस। बिल्कुल सही सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं विक्रांत आप, क्योंकि ये प्रेशर, और आपने दो चीजों का जिक्र जो किया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अब ये टीम मैनेजमेंट पर ही डिपेंड है कि वो किस तरीके से इस प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, कूल आउट रखते हैं इनको अगले मैच से पहले तक। जी बिल्कुल, और हर मैच जैसे मैंने कहा अलग होगा नवजोत, अलग होगा हर मैच अलग होगा, लेकिन यहाँ पर आप कप्तान रानी रामपाल की आज खेल भी देखें और जिस तरह उन्होंने टीम को हैंडल किया, क्योंकि जब आप एक एल्डर फिगर होती है ना टीम में, आप कप्तान हैं, आपको ही टीम को संभाल कर रखना, और उनका तजुर्बा आज टीम के काम आया। बिल्कुल, और जो गोल था विक्रांत उसका भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि 22वें मिनट में जो गोल दागा था गुरजीत कौर ने, नजरें वहां पर भी थी। शुरू में लीड लेना बहुत जरूरी होता है नवजोत, क्या होता है ना बड़ी टीम आती है ये सोचकर कि हम आएंगे जीत जाएंगे, जैसे भारत ने पहला गोल कर दिया तो ऑस्ट्रेलिया पर प्रेशर हो गया। अब आप देखिए वो इतने रैटल्ड थे कि उनके कई फाउल हुए, उनको कार्ड मिले, तो जब सामने वाली टीम को आप रैटल कर देते हैं उसके लिए वापसी का फिर दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी वो थी आपने आखिरी 8-10 मिनट में जो अपने फ्लैंक बंद किए, जो आपने डिफेंड किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने सारा जिसे कहते हैं ना ऑफेंसिव पर लगा दिया था, उनको पता था कि एक गोल चाहिए, इतने पेनल्टी कॉर्नर्स भी आए, बावजूद उसके आपने दबाव को हैंडल किया, आपने एक भी गोल नहीं खाया, ये बड़ी कामयाबी। बिल्कुल विक्रांत, इसके साथ ही साथ, क्योंकि देखिए हम बात कर रहे थे आज महिला हॉकी टीम की, तो बात कर ही रहे हैं, कल हमने देखा पुरुष हॉकी टीम को किस तरीके से उन्होंने ब्रिटेन की टीम को हराया, कल एक हमारे पास मेडल भी आया पीवी सिंधु का, इसके बाद अब और कितनी उम्मीदें ओलंपिक से की जाती है, कमलप्रीत का भी आज मुकाबला होने वाला है। कमलप्रीत के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, हालांकि हम ये कहेंगे कि लीग में शी इज द सेकंड बेस्ट, लेकिन आप देखेंगे फाइनल में एफर्ट बाकियों का भी थोड़ा बढ़ जाता है, अगर वो मेडल ले आए बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। हॉकी में आप दोनों मेंस और वुमेन दोनों में आप मेडल राउंड में हैं ही, मेडल राउंड इन द सेंस आप कंटेंशन में हैं। अब यहां से उम्मीद है आपकी रेसलर्स से, देखिए टीम मेडल का मतलब है कि बीजिंग 2008 के मुकाबला बराबर कर चुके हैं, आपका ये सेकंड बेस्ट ओलंपिक्स ऑलरेडी हो चुका है, आपका बेस्ट ओलंपिक्स है 6 मेडल जो आपने 2012 लंदन में जीते थे, इस बार लोगों ने कहा 10 मेडल आएंगे 15 मेडल आएंगे, वो रियलिस्टिक नहीं था क्योंकि हिंदुस्तान के लिए एक एक मेडल बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन टीम का मतलब है कि शायद 2 या 3 और आ सकते हैं, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं क्योंकि यहां से कहते हैं ना कि गलत तस्वीर ना दी जाए बेहतर है। आप 3 मेडल अगर यहां से भारत और ले आता है
तो लंदन के बराबर हो जाएगा, यानी कि आपका बेस्ट ओलंपिक्स हो जाएगा। यहाँ से यही उम्मीद की जा सकती है कि अगर आपके रेसलर्स रवि दहिया हैं, दिनेश फोगाट हैं, बजरंग पूनिया हैं, इनसे उम्मीद है, लेकिन आपके बॉक्सर्स ने आपको बहुत निराश किया था। अब देखना होगा कि आपके रेसलर्स क्या करते हैं। फिर आपके पास ये दोनों हॉकी में आप मेडल कंटेंशन में हैं। मेरा ये दिल से आवाज आती है कि शायद भारत यहाँ से दो मेडल और ले। बिल्कुल, दो मेडल की और उम्मीदें, और इस बीच अब नजरें सबसे ज्यादा हॉकी पर रहेंगी, क्योंकि देखिए अभी तक विक्रांत हम लोग जब भी चर्चा करते हैं हम क्रिकेट की चर्चा करते हैं, लेकिन आज हम पूरे तौर पर सिर्फ और सिर्फ हॉकी की चर्चा कर रहे हैं, और उसका एक रीजन भी बड़ा है, क्योंकि ओलंपिक्स में वापस से हॉकी कहीं ना कहीं भारतीय हॉकी की बात करें रिवाइव होती हुई नजर आ रही है। कल का मैच हो, आज का मैच हो, और सबसे बड़ी बात ऑस्ट्रेलिया को हराना, और उससे भी बड़ी बात यह कि हार के बाद एक वर्ल्ड चैंपियन से भिड़ना। देखिए, अब जैसे मैंने कहा नवजोत, एक जनरेशन के लिए ओलंपिक्स का मतलब था हॉकी। आप हॉकी ही देखते थे कि भारत क्या कर रहा है। मुझे याद है 1980 में जब आप मॉस्को में गोल्ड मेडल जीते थे, 84 में भारत पांचवें पायदान पर था, और लॉस एंजलिस में तब रात को पहली बार शायद ओलंपिक्स लाइव आए थे, और हम लोग देखते थे, हमें लगा यार हॉकी में हम नहीं पहुंच पाएंगे। और आपको ये याद होगा 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में भारत क्वालिफाई नहीं कर पाया था, वहां से वापस आना और आज सेमीफाइनल दोनों जगह पर बनाना, ये बड़ी कामयाबी है। लेकिन इतिहास याद रखती है आपको, अगर आप मेडल जीतते हैं, ये दोनों टीमों को इस बात का इल्म होगा कि आपको इतिहास याद तभी रखेगा जब आप मेडल जीतेंगे। मिल्खा सिंह को, पीटी उषा को चौथी पायदान पर इसलिए याद रखा गया था क्योंकि उन दिनों में मेडल आते नहीं थे, अब मेडल आते हैं, तो आपका जो सफर है वो मंजिल तक पहुंचे वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मेडल आपका आता है, मैं कहता हूं दोनों में से एक भी मेडल आ जाए तो मेन और विमेन दोनों हॉकी जो है वो रिवाइव हो जाए। जाहिर सी बात है, और दोनों से ही उम्मीदें लग रही हैं, लेकिन दोनों में से अब जैसे विक्रांत कह रहे हैं कि एक भी मेडल अगर आता है तो जाहिर सी बात है कि हॉकी रिवाइव होगी। लगातार विक्रांत मेरे साथ बने हुए, इस बीच जल्दी से आपको दोनों तस्वीरें हम दिखाई रहे हैं। बड़ी खबर बता देते हैं, कल का मैच और आज का मैच। कल का मैच जब भारतीय टीम ने ब्रिटेन की टीम को हराया था हॉकी में, और आज महिला हॉकी में एक इतिहास रचा ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराकर भारतीय टीम ने, और दोनों ही टीमों से अब उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। बेल्जियम से पुरुष हॉकी का अगला मुकाबला होगा, महिला हॉकी टीम भी पहुंच चुकी है आगे, लेकिन इस बीच चुनौतियां आगे की उतनी आसान नहीं होंगी, लेकिन उम्मीदें बरकरार रहेंगी। राहुल मेरे सहयोगी वहां से लगातार टोक्यो से हमें जानकारी दे रहे हैं, हालांकि इस वक्त महिला हॉकी टीम वहां पर, जो खबर राहुल अभी दे रहे थे वो ये है कि इस वक्त वहां पर मीडिया से बात कर रहे हैं, पत्रकारों से वो बातचीत कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन अब इसको किस तरीके से बरकरार रखा जाए, जैसे कि विक्रांत भी बता रहे थे कि इसी कॉन्फिडेंस को, इसी लय को बरकरार रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और बिल्कुल संतुलित होकर अगले मैच में मैदान में उतरना है, और ऐसे में दोनों ही टीमों से मेडल की उम्मीद की जा रही है, पुरुष हॉकी हो या फिर महिला हॉकी हो, दोनों टीमों से इस वक्त मेडल की उम्मीद की जा रही है। और आज ऑस्ट्रेलिया की टीम को जिस तरीके से महिला हॉकी टीम ने हराया है वो वाकई काबिले तारीफ है, और इसी पर हम बात कर रहे थे गुरजीत कौर, जिन्होंने गोल दागा और उसके बाद और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया महिला हॉकी टीम का। और सबसे बड़ी बात यह कि पूरे मैच के दौरान ऐसा नहीं कि मौके नहीं मिले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को, भारतीय खिलाड़ियों ने उनको हावी नहीं होने दिया। अजीत पाल सिंह पूर्व हॉकी खिलाड़ी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, ये बहुत अच्छी खबर है, हम दोनों तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इसी पल का इंतजार यकीनन पूरा देश कर रहा था। वेल, आई जस्ट वॉच दिस वुमेन्स हॉकी टीम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड आवर गर्ल्स, इंडियन गर्ल्स हैव रियली क्रिएटेड अ हिस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक, बिकॉज़ दिस इज द फर्स्ट टाइम दे हैव रीच any Olympic game in to the semi-finals. Let me really praise them that they really played very, very well and beating Australia, who was one of the main contenders for the title 2020. To beat them is remarkable for the girls. Honestly speaking, I as a hockey man also never expected that they will in any case will be able to beat Australia, but I am really, really happy that they have come out with flying colors
and they really defended their goal lead and they were deep defensive, very strong. अजीत जी, हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो हिंदी में आपसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि कल का मैच भी बहुत ही यादगार और बहुत ही बढ़िया था. पुरुष हॉकी ने जब रशियन की टीम को हराया, आज का ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराया, तो दोनों टीमों में, क्योंकि आप खुद हॉकी खिलाड़ी रहे, मैं जानना ही चाहूंगी कि अब प्रेशर बढ़ेगा या किस तरीके से अगले मैच में मैदान में उतरना चाहिए खिलाड़ियों को. देखिए, हमारी दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंचना बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज आदमियों की जो मेन टीम है उसमें तो मुझे लगता था कि इस बार मेडल आने की संभावना है, क्योंकि कुछ पिछले सालों से उन्होंने अपनी इम्प्रूवमेंट बहुत दिखाई है और अपनी वर्ल्ड जो इनकी स्टैंडिंग है उसमें भी ऊपर आए हैं, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा था कि ये मेडल प्रॉस्पेक्ट है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी भी पोजिशन पे रह सकते हैं. लेकिन जो लड़कियों का सेमीफाइनल में पहुंच जाना एक बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, और दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच जाना, तो मैं देखता हूं कि भारतीय हॉकी फिर दोबारा एक बार अपना सर उठा रही है और ऊपर उठ रही है. तो कुछ पिछले सालों में हमने मेन टीम में काफी गिरावट देखी, लेकिन अब वो चीज नहीं है. अब हम किसी भी टीम से, जो दुनिया की टीम है, किसी भी टीम से खेल सकते हैं, किसी भी टीम को हरा सकते हैं. तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों टीमें अब सेमीफाइनल में है तो ये मेडल लेके आए कम से कम, और ये हमारी उम्मीद है कि ये कर सकते हैं. कोई मुश्किल काम नहीं है, किसी दिन किसी भी इस फील्ड पे कुछ भी हो सकता है. उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं. जी जी बिल्कुल. बड़ी खबर, सबसे पहले भारतीय महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया है. ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, और ये पहली बार ऐसा हुआ है जब महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची है. वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलियन टीम, लेकिन उनको हराया, और उसके बाद अब सेमीफाइनल में एंट्री महिला हॉकी टीम की. 1-0 से ऑस्ट्रेलिया को हराया. पूरे मैच के दौरान पूरी तरह से टीम इंडिया हावी दिखी ऑस्ट्रेलियन टीम पर. टोक्यो ओलंपिक, दो अच्छी खबरें. कल पुरुष हॉकी टीम भी पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में, आज महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में. कल पुरुष हॉकी टीम ने ब्रिटेन को हराया था, आज महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, और ऐसा पहली बार हुआ कि हॉकी टीम ओलंपिक से सेमीफाइनल में पहुंची है. महिला हॉकी टीम ओलंपिक से सेमीफाइनल में पहुंची है. तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जीत, जश्न, जोश सब कुछ बरकरार है. और इस वक्त जैसा राहुल टोक्यो से लगातार हमें जानकारी दे ही रहे हैं, इतिहास रचा भारतीय शेरनियों ने, और पहली बार हॉकी के सेमीफाइनल में महिला हॉकी टीम. तो आज हर तरफ बस चक दे इंडिया हो रहा है, क्योंकि अब उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई है. सीधा चलेंगे, जगबीर सिंह पूर्व हॉकी खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. जगबीर जी, आज बस जोश और चक दे इंडिया हर जगह हो रहा है, और उम्मीदें अब बहुत ज्यादा कि मेडल लेकर आए इंडिया. गो फॉर गोल्ड. बिल्कुल, गो फॉर गोल्ड का नारा बुलंद होना चाहिए, और जैसा गुरजीत ने कर दिखाया है उस पेनल्टी कॉलर द्वारा, गुरजीत तेरे गोल का जवाब नहीं, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि पेनल्टी कॉर्नर्स ही ऐतिहासिक जीत दर्ज कराते हैं, और पेनल्टी कॉर्नर्स एक भी कामयाब नहीं होने दिया भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया का. ऑस्ट्रेलिया को अनगिनत पेनल्टी कॉर्नर जरूर मिले होंगे, पर तारीफ करता हूं मैं गोलकीपर सविता की और डिफेंसिव स्ट्रक्चर की. बेहतरीन प्रदर्शन करके उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सारी उम्मीदों पर न केवल पानी फेरा है, पर जो उम्मीद भारतवासी लगा रहे थे भारतीय हॉकी से, उस पर पूरी तरह से खरे उतरे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. आगे की चुनौतियां, क्योंकि अब देखिए, जब हम बात यहां तक करते हैं कि यहां तक एक इतिहास रच के महिला टीम यहां तक पहुंच चुकी है, तो फिर उसके बाद अगले सफर का जिक्र होना बहुत जरूरी है. किस तरह की बातें, किस तरह की कहीं टेंशन है या नहीं है, क्या कुछ चल रहा होगा इस वक्त खिलाड़ियों के दिमाग में? सबसे ज्यादा जरूरी है सकारात्मक सोच का चलना इस समय, क्योंकि भारतीय टीम ने जिस तरह से ओलंपिक में पूल मैचों में शुरुआत की थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही थी, पर उसके बाद नीदरलैंड और जर्मनी से हारने के बाद जब उन्होंने अपना आयरलैंड के खिलाफ जीत दर्ज की, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत दर्ज की, और उसके बाद क्वार्टर फाइनल्स में जीत दर्ज की, तो निश्चित तौर पर भारतीय टीम में ये जो विनिंग मोमेंटम आया है वो बेहतरीन रहा है, और इस समय भारतीय टीम और कोचेज यही सोच रहे होंगे कि इस जीत को, निरंतरता को हमें जारी रखना होगा, और वही सोच के साथ भारतीय टीम उतरेगी, और सेमीफाइनल इज जस्ट अनदर मैच.
नॉकआउट स्टेज में जब आप क्वार्टर फाइनल जीत जाते हैं तो सेमीफाइनल आप साइकोलॉजिकल एडवांटेज के साथ उतरते हैं, क्योंकि आपने एक दबाव अपने प्रतिद्वंदी पर पहले ही बना लिया है। और भारतीय हॉकी टीम आज के मैच में विश्व के दिग्गजों के हिसाब से फेवरेट नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया फेवरेट मानी जा रही थी। तो जिस तरह से भारतीय महिला हॉकी टीम ने ये उलट फेर किया है, भारतीय महिला हॉकी टीम बहुत आत्मविश्वास के साथ सेमीफाइनल में उतरेगी। जी 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 बिल्कुल, और अब उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। जगबीर जी, आप रहिए लगातार हमारे साथ बने हुए, और हम सभी दिग्गजों से लगातार बात कर रहे हैं। और इस बीच ये भी देखिए कि बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर बधाई दे रहे हैं, उन्होंने कहा शानदार प्रदर्शन, हम आपके साथ हैं। किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री, पूर्व खेल मंत्री भी रह चुके हैं, सच हो रहा है भारत का सपना। और हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री असम, उन्होंने कहा कि आपके बेहतरीन प्रदर्शन पर नतमस्तक हूं। और इस बीच टोक्यो में चक दे इंडिया, सीधा चलेंगे टोक्यो, मेरे साथ राहुल रावत मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या माहौल है इस वक्त वहां पर? बिल्कुल, जब टीम इंडिया, जब इंडियन विमेन्स टीम, पहले तो जैसे ही मैच खत्म हुई, जब वो हूटर बजा, पूरे चारों तरफ से जो जहां था सब एक जगह आके उछलने कूदने लग गए। उनको पता था, उनको एहसास था कि ये मोमेंट क्या है। कोच वहां से आए, पिच पे आए, उनके ऊपर सारे प्लेयर्स जो झपट गए थे। उसके बाद आप देखिए, ये हॉकी के इमोशंस हैं, जो स्टैंड्स में जितने भी लोग थे सबको पता था, चाहे वो इंडियन हो या वो जैपनीज हो या कोई बाहर के हो, बाहर की टीम्स के हो, वो सबको पता था ये मोमेंट इंडिया के लिए कितना बड़ा है। जैसे ही टीम बाहर आई, पिच से बाहर आ रही थी एक के बाद एक, सब लोगों ने तालियां बजाई हैं, हर किसी ने तालियां बजाई हैं। सबको पता है कि इंडिया के लिए हॉकी कितनी जरूरी है और इंडिया ने क्या क्या नहीं देखा है हॉकी में पिछले 40 साल में। और आज बात हो रही थी उनके कोच से, थोड़ी देर पहले बात हुई, उन्होंने कहा, उनसे पूछा कि अब सेमीफाइनल, क्योंकि आज आपने इतना बड़ा मैच जीता है, आपको इमोशंस जो है वो थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, कभी कभार हावी हो जाते हैं, सेमीफाइनल मैच भी खेलना है। कोच ने कहा पहले हम इंजॉय करेंगे, मैं इन प्लेयर्स को इंजॉय करने दूंगा, इन्होंने जो आज अचीव किया है मैं इनको इंजॉय करने दूंगा, अगले मैच की भी देखेंगे। और टारगेट और गोल हमारा अभी भी वही है, हमें अगला मैच भी जीतना है, पर लेट देम इंजॉय दिस मोमेंट। रानी जब जो कप्तान है वो जब बाहर आई, उन्होंने कहा कि मेरे को पहले तो यकीन नहीं हुआ मुझे कि क्या अचीव कर लिया है। देखिए, वो इमोशन से पता लग जाता है, आप जिस हिसाब से टीम के रिएक्शन, और ऑस्ट्रेलियन टीम पूरी की पूरी जैसे ही उटर बजा अपने घुटनों पे थी। क्यों? क्योंकि ये वो ऑस्ट्रेलियन टीम है जिसने दूसरा पूल नंबर वन फिनिश किया था, और ये वो इंडियन टीम है जिसने पहले नेदरलैंड से हारे, उसके बाद जर्मनी से हारे, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन से, जो उनकी सबसे खराब परफॉर्मेंस थी इस पूरी टीम की इस पूरे टूर्नामेंट में। और किसने दिया होगा इस इंडियन टीम को ऑस्ट्रेलिया में चांस? एटलीस्ट मुझे लगा था, मैं आपसे नवजोत झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे लगा नहीं था कि ये इंडियन टीम जीत पाएगी, या कोई करिश्मा करना पड़ेगा अगर इनको ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। 1-0 से इतना अच्छा डिफेंस किया है इंडियन टीम ने, लास्ट में स्पेशली जिस हिसाब से इन्होंने अपनी नर्व्स और प्रेशर को हैंडल किया है, देखिए 2-3 पेनल्टी कॉर्नर्स भी मिले ऑस्ट्रेलिया को, पर जिस हिसाब से इस टीम ने डिफेंड किया है, और एक के बाद एक, और काबिले तारीफ है। हॉकी के लिए बहुत साल लग गए हैं, वो सुनहरे दिन देखने के लिए, भारतीय टीम को पोडियम में देखने के लिए ओलंपिक्स में, क्या पता ये वो साल हो टोक्यो का जब इसी मैदान पे 1964 में भारत ने राहुल रोक रहे हैं आपको, चित्रांशु रावत जिन्होंने चक दे इंडिया में कोमल चौटाला का रोल किया था, तो कोमल आज कैसा लग रहा है? हम तो गुनगुना रहे यहाँ पर चक दे इंडिया, लेकिन जब आप मैच देख रही थी, पहले बताइए आपने मैच देखा या नहीं देखा, और कैसा आज फील हो रहा है? मैं आपको ये बताऊंगी कि आज मेरी सुबह की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई, क्योंकि मैं उठी हूँ और मुझे सबसे पहली न्यूज ये पता चली है कि हमारी लड़कियां सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ जीत की बधाई, आप कोमल चौटाला अंदाज में दीजिए तो कैसे देंगी? अरे मैं क्या ऋषि की, मैंने घनी खुशी हो रही है कि हमारी लड़कियां जो है ना सेमीफाइनल पहुंच गई हैं, बस चक दे फट्टे हो रहे हैं बस अब तो। तो टोक्यो से लेकर हिंदुस्तान तक चक दे इंडिया हो रहा है, तो कैसा लग रहा था जब मैच देख रही थी? मैं मतलब अनफॉर्चुनेटली मैं मैच नहीं देख पाई हूँ, बट मैंने जैसे कहा आज मेरी सुबह की शुरुआत ही वैसी हुई है, मैं उठी और मैंने फर्स्ट न्यूज मेरे पास ये आई है कि हमारी लड़कियां पहुंच गई है, तो मैं आपका फोन आने से पहले आई वाज जस्ट सीइंग कि मुझे कहीं से हाइलाइट्स और मैं जल्दी से कुछ देख लूं, बिकॉज आई वांटेड टू सी कि
कैसा मैच रहा है, क्योंकि एक गोल पड़ा है आई थिंक हरप्रीत कौर ने, शायद वो एक गोल मारा गुरजीत कौर ने, तो मैं हाँ जी हाँ तो उन्होंने मारा है, तो फिर मैं यही सोच रही थी। और मैं एक्चुअली जो एक और है जिन्होंने हैट्रिक मारी थी इससे पहले वाले मैच में, वंदना कटारिया, तो उनके साथ मैंने बड़े कैंप किए हुए हैं एक्चुअली पहले। कोमल वैसे आज जब हम जिससे भी चर्चा कर रहे हैं ना कोमल, देखिए चर्चा बिल्कुल वैसी हो रही है जैसे आपकी फिल्म थी, क्योंकि शुरुआत में इंडियन टीम हारती जा रही थी और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जैसी इतनी बड़ी टीम जिसके सामने लग नहीं रहा था कि इस तरह से एक इतिहास रच देगी हिंदुस्तान की टीम, बिल्कुल वैसा फिल्मी सीन लग रहा है आज पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आई थिंक जब हमने शायद फिल्म करी थी तब भी बहुत नंबर वन थी, और आज भी आई थिंक वर्ल्ड नंबर टू में ऑस्ट्रेलिया आती है, तो अगर हमारी लड़कियों ने उनको बीट किया है उसका मतलब है कि हमारी लड़कियां काफी अच्छी शेप में और काफी अच्छा खेल रही हैं और काफी अंडरडॉग तरीके से आ रही है, बिकॉज आई थिंक इनिशियल मैच हमारी लड़कियां बिल्कुल जैसे हमारी फिल्म में हो रहा था कि हम लोग पहले दो मैच हारे थे उसके बाद धीरे 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 करके हम लोग आगे बढ़े थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई रियली होप कि ये वाली स्ट्राइक जो है लड़कियां बनाए रखें और मतलब चंदे हो और सही में मतलब गोल। देखिए हम तो यही चाहेंगे कि आप लोगों ने फिल्म में भी चलते चलते हार हारते हारते आखिरी में आपने मेडल ले ही लिया था, जीत ही गए थे, और हम बिल्कुल यहाँ से भी यही चाह रहे हैं, बहुत उम्मीद है। तो जरा अपने उसी कोमल चौटाला अंदाज में जरा लड़कियों को आगे के लिए गुड लक बोल दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या है मैं ऑल द वे फ्रॉम इंडिया चित्राशी रावत AKA कोमल चौटाला ये कहना चाह रही हूँ कि भाई हमारी लड़कियां जो हैं बड़ी मेहनत कर रही हैं, उनको मैं बहुत सारा ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ, और इंडिया में सारे के सारे जो हमारे लोग हैं उनको चग्गे इंडिया कहना चाहते हैं। ये तो गाना पड़ेगा, नहीं ये गाना पड़ेगा, ये कह के नहीं चलेगा, गुनगुना दीजिए थोड़ा सा। तो देखो मैं तो यही गाना चाहूंगी कि हमारी लड़कियों के लिए बादल पे पाव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है, बादल पे पाव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। ओ, 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 ओ। बहुत खूबसूरत आवाज है आपकी। अरे थैंक यू। जी तो जरा कुछ और भी गुनगुना दीजिए, क्योंकि आगे अभी चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, आपकी फिल्म में भी बहुत चुनौतियां आपने झेली हैं और यहाँ पर भी चुनौतियां बहुत है अभी आगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बस यही चाहूंगी कि बस हार के नहीं आना है, जैसे हमारे सुखलाल साहब ने हमें कहा था जब हम लोग जा रहे थे कि आपके दही चावल बहुत याद आते हैं, तो मैं भी यही कहना चाहूंगी कि बस अपना तिरंगा एकदम लहरा के आना है तो, और चंदे इंडिया तो करके ही आना है, बस उसी का इंतजार है और काफी क्लोज हैं हम लोग अपनी विक्ट्री से। तो देखिए हम चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं। अच्छा मैं तो आपको कोमल ही बुलाऊंगी क्योंकि मुझे वो आपका कैरेक्टर अंदाज बहुत पसंद आया था, और आज मैं आइकन मैं आपको बिल्कुल चित्रांशी रावत कह के संबोधित नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि आज आप कोमल के किरदार में आ जाइए, बस छोरियों ने कमाल कर दिया है। अब साथ ही साथ जरा चक दे इंडिया भी गुनगुना दीजिए, आवाज आपकी बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल चक दे चक दे चक दे इंडिया, चक दे चक दे चक दे इंडिया। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो मैं चाहूंगी क्योंकि आपने कहा कि आज की सुबह जो आपकी हुई जब आंख खोली तो ये खुशखबरी आपको मिली, आप यकीन मानिए अगर आप इस पूरे मैच को देखेंगी और फिर उसके बाद अपनी फिल्म को कंपेयर करेंगी उससे कम आपको नजर नहीं आएगा, आज छोरियां हावी रहेंगी, ऑस्ट्रेलियन लड़कियों को टिकने नहीं दिया उन्होंने। वाह क्या बात है, मैं बस एक्चुअली अब आपका फोन जो खत्म होगा तो मैं बस मैं ढूंढ ही रही थी कि जरा मुझे हाईलाइट तो दिखे कि हुआ क्या है। आई सॉ द फोटोग्राफ्स एंड फोटोग्राफ्स जो आ रही है लड़कियों की दिख रही है, और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं वो एकदम जो हमारी मूवी के स्टिल्स पे एकदम वो दिखा मुझे ना, मतलब मुझे इतनी खुशी हुई आज दिल में, मतलब आज का दिन तो मतलब बना दिया ना लड़कियों ने, दिन बन गया बिल्कुल, और अब तो आगे उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। अच्छा देखिए जिस दौरान आपकी फिल्म आई थी उसके बाद मुझे अभी भी याद है कि उसके बाद एक लहर सी उठ गई थी कि लड़कियों को हॉकी में भेजना ही भेजना है, लेकिन जिस तरीके से परफॉर्मेंस की बात करें बहुत सारी चुनौतियां आपको पता ही होगा क्योंकि आपने फिल्म की आपने, और वो फिल्म इसीलिए बनी थी कि किस तरीके से इंडियन हॉकी स्पेशली इंडियन विमेन हॉकी रिवाइव होती है, और यहाँ पर तो वो हकीकत में हो रहा है,
फिल्म से लोग इंस्पायर हुए, लड़कियां हॉकी की तरफ, कई लड़कियां गई, लेकिन इसके बाद लगता है ये गेम चेंजर मैच था। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लगता है। देखो कहते हैं ना कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, छोरियां छोरों से कम थोड़े हैं, ऐसा कहते हैं ना, तो बिल्कुल आज वो एकदम मुझे लग रहा है कि सच हो रहा है। और एक और बहुत अच्छी चीज है कि हमारी लड़कियों ने इतनी मेहनत करके वो फाइनली मतलब पहुंची है। और आपको अगर याद होगा कि अगस्त का महीना है और 10th ऑफ अगस्त को हमारी फिल्म रिलीज हुई थी, तो हमारी एनिवर्सरी है, 14 और 15 ईयर्स ऑफ एनिवर्सरी इंडिया की है। तो ये काफी आइकॉनिक था और काफी मुझे लग रहा है फुल लाइफ का जो फुल सर्कल है। मैं तो सुबह से अपने तमाम रिपोर्टर्स से चैट करते हुए यही कह रही थी कि हमारा कि अगस्त का महीना यकीनन बहुत लकी है। चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। वासुदेव भास्करन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व खिलाड़ी हॉकी के। वासुदेव जी, आज के इस खेल को लेकर, आज की इस जीत को लेकर क्या कहेंगे? चलिए लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, कोशिश करेंगे दोबारा बात करने की, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि खेल मंत्री क्या कह रहे हैं, किस तरीके से बधाइयों का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। उसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और अगले आने वाले बहुत महत्वपूर्ण मैचेस के लिए भी 135 करोड़ भारतीय की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले कल भी पीवी सिंधु जी ने जो कांस्य पदक जीता, उससे पहले मीराबाई चानू जी ने जीता, लवलीना ने शानदार प्रदर्शन किया, तो उम्मीदें भारत की ओर बंधी है। और मुझे खुशी इस बात की है कि भारत की बेटियों ने अब तक 2 मेडल जीत कर दिखाए हैं। आज महिला हॉकी टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया है और पुरुष हॉकी टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। इंडिया के लिए बहुत बड़ा दिन है आज का दिन। हमारा महिला और पुरुष दोनों टीमें सेमीफाइनल्स पहुंचना ओलंपिक्स में, वो भी हॉकी जैसे गेम में, बड़ी गेम है और बड़ी जीत है। तो हमने शुरू में कहा था, जब हम हमारे हॉकी के प्लेयर्स मेंस वुमेन्स बैंगलोर में ट्रेनिंग करते थे, हम मिलने जाते थे और कलिंगा स्टेडियम में उनके गेम के लिए में जाते थे, तो जितना भी इंटरेक्शन करते थे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई था और हमको पूरा यकीन था कि सेमीफाइनल्स तक हम जरूर पहुंचेंगे। अब इससे आगे बस 2 स्टेप्स है, लेकिन सेमीफाइनल्स पहुंचना ही अपने आप में इतिहास है दोनों टीमें। आप सोचिए 49 इयर्स बाद इंडिया सेमीफाइनल खेल रहे हैं। 80 ओलंपिक्स में तो राउंड रॉबिन लीग सिस्टम था, सीधे फाइनल पहुंचे, लेकिन सेमीफाइनल्स 49 इयर्स बाद इंडिया सेमीफाइनल्स खेल रहे हैं ओलंपिक्स में, बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए।